तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे आप सबके, होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज का टॉपिक है शॉर्ट वीडियो के ऊपर के हाउ टू अपलोड करेक्ट वे टू शॉर्ट वीडियो अपलोड। तो गाइस, जैसे कि आप लोग शॉर्ट वीडियो जैसे ही आप लोग एक्सपोर्ट करते हो अपने कैपकट से या आप यूट्यूब पर आके अपलोड करते हो, तो या तो फिर उसकी साइज़ ज़्यादा जूम हो जाती है, जूम आउट, या तो फिर बिल्कुल स्लो, मतलब बंदा बिल्कुल छोटा हो जाए। अब एग्जांपल के लिए आप मेरी वीडियो यहाँ पे देख लें, बिफोर मैं ऐसे ही मतलब करता था एक्सपोर्ट। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन के अब वीडियो जूम होने से क्या व्यूज़ पे फ़र्क पड़ता है या वीडियो की इंगेजमेंट से फ़र्क पड़ता है? तो इसका आंसर है यस। चलो मैं आप लोग को एक प्रूफ देता हूँ अपने ही चैनल का। तो ये मेरी बिफोर कुछ वीडियोज़ है जो कि मैं पहले अपलोड की थी। मैंने एक पे 6 और 2 पे 1-1 ही लाइक है। तो अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को आफ्टर वाले रिजल्ट्स भी दिखाता हूँ। और अब आप लोग यहाँ पे आफ्टर देख सकते हो, यहाँ पे मेरी जैसे ही मैंने उसको वीडियो को साइज पे अपलोड किया है ना शॉर्ट के, तो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी जा रही है। और यहाँ पे आप लोग लाइक देख सकते हैं, 1 पे 70, 1 पे 28 और 1 पे 30, यानी कि जहाँ पे 1 लाइक आ रहा था वहाँ पे अब 100-100 लाइक भी आने लग गए हैं मेरे। मैं आपको अपने YT स्टूडियो में भी ले चलता हूँ। तो ये है मेरा YT स्टूडियो और व्यूज़ भी चेक कर सकते हैं आप लोग। पिछले 3 दिनों की वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन के शॉर्ट की साइज़ की वीडियो कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको डिटेल में इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ने अपना कैपकट मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो और उसको यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप लोग ने अपना जो भी है न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोग ने क्लिक करना है। आपकी जो भी वीडियो है, आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, जो भी आपकी वीडियो है, आप लोग ने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आप लोग को यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे एडिट आईडियो टेक्स्ट और ओवरले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर पे दिखाई दे रहा है रेशियो, इस पर आप लोग ने क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के साथ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपके पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी सब चीज़ों का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे टिकटॉक वाले पे 9.616, जो कि बेस्ट है। मतलब मैं टिकटॉक में वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो उसकी क्वालिटी इशू नहीं आता। और यूट्यूब शॉर्ट पर अपलोड करता हूँ, उस पर भी कोई इशू नहीं आता। तो वैसे अगर लॉन्ग वीडियो आप लोग यूट्यूब के लिए बनाते हैं तो उस पर आप लोग को फिट पर ही रहने देना है, वीडियो में कोई इशू नहीं आएगा। तो शॉर्ट को लिए आप लोग ने 9.16 सेलेक्ट करना है और लॉन्ग के लिए फिट पे रहने देना है। तो यहाँ पे आप लोग ने 16 FPS कर देना है और 1080p पे आप लोग ने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। तो बाकी उम्मीद है आप लोग सबको समझ आ गई होगी। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।